अब आप आ जाएं एक्सरसाइज 12B पे, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 स्किप कर दें और यहाँ पे डिवीजन डिवाइड दी फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय दी सेकंड। अब यहाँ पे हमें डिवाइड करना है फर्स्ट एक्सप्रेशन को सेकंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है a² + 2ab + b² डिवाइड बाई a + b। तो आपको जो है इसको डिवाइड करने के लिए a + b से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से आप लोग को लिखना है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व की हेडिंग, फिर उसके बाद यहाँ पे अब आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो आपने a + b बाहर लिखा और a² + 2ab + b² आपने अंदर लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड करने के लिए तरीका है। पहले तो हम इसको डिवाइड करते हैं, जो नंबर्स को डिवाइड करते हैं सिंपल, उसको ईजिली हम डिवाइड कर लेते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट ये है कि इसमें वेरिएबल्स हैं। अब आपने क्या करना है, a + b लिखा हुआ है और इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको डिवाइड करेंगे कि a + b लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन क्या है, a² + 2ab + b² तो आपने यहाँ से देखना है कि हमें यहाँ पे क्या लेकर आना है, a² लेकर आना है। तो यहाँ से ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें, यानी a से हम कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे a² आ जाए। तो देखें हमने पढ़ा था कि a अगर 2 times होगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, a² आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे, ये सेम पावर ऐड। तो यानी कि a मल्टीप्लाई बाय a होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, a। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, a², ठीक है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया a मल्टीप्लाई बाय a तो आपके पास आ गया a², ठीक है। बे सेम पावर ऐड हो जाती है, वही काम यहाँ पे, बे सेम पावर ऐड तो a² आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आपने पहले इसको उससे मल्टीप्लाई किया, अब उसके बाद इसको उससे मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इसको उससे, क्योंकि ये पूरा एक है, आपने पहले इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपने यहाँ पे प्लस के साइन के साथ, ठीक है, प्लस के साइन के साथ आपने a² लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, b से मल्टीप्लाई करना है। तो a और b इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ab, ठीक है। हमारा आंसर आएगा ab। तो आपने यहाँ पे प्लस 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 करके जो ab वाला कौन सा, ये वाला है, तो वेरिएबल के नीचे वेरिएबल उतार देंगे ताकि एडिशन करने में आसानी हो, सब्ट्रैक्शन करने में आसानी हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ab लिखा हुआ है तो आपने ab के नीचे ये उतार दिया, क्योंकि यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, a मल्टीप्लाई बाय b, ab हो गया, ab आपने ab के नीचे लिख दिया ऊपर वाले वेरिएबल के नीचे। अब यहाँ पे कौन सी साइन आएगी, प्लस 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 की साइन आएगी, आपने प्लस की साइन लगा दी। अब यहाँ पे देखें आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आप क्या कर देते हैं, वैल्यूज मतलब साइन चेंज कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, हम साइन चेंज कर देते हैं, जो नीचे वाली साइन होती है उसको हम अगर प्लस में है तो माइनस कर देते हैं और माइनस में है तो हम प्लस कर देते हैं, ये सब्ट्रैक्शन में हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या था, प्लस, तो आपने चेंज कर दिया इसको माइनस में। यहाँ पे था प्लस, आपने चेंज कर दिया इसको माइनस में। अब देखें प्लस से a² माइनस a² कैंसिल, ठीक है, कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर। अब आप इसको प्लस को भूल जाएं, अब आपका क्या है, माइनस ही है ना, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे आप तो आपके पास क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। अब 1 यहाँ पे हम लगाएं या नहीं लगाएं तो इससे फर्क नहीं पड़ता, 1 को हम शो नहीं करते, ठीक है। अब यहाँ पर 2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो हमें 1 बचेगा और a भी ऐसे कुछ आ जाएगा बड़े नंबर के साथ। ये भी हम देखते हैं जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन है, प्लस की या माइनस की, ये प्लस की, तो आपने यहाँ पे ये है प्लस, ठीक है, प्लस 1 a b प्लस। और अब आपने क्या कर लेना है, जब ये पूरा जो है मल्टीप्लाई हो जाए a से, आपने स्टॉप कर देना है। पहले आपने a से a को मल्टीप्लाई किया, a से b को मल्टीप्लाई किया, पूरा ख़त्म हो गया, आपने यहाँ पे a ख़त्म कर दिया। फिर अब आप आ जाए सेकेंड पर, अब आपने ऊपर से प्लस b² उतार दिया। अब यहाँ पे देखें ये है ab + b², अब a b है यहाँ पे लिखा हुआ। अब आपने यहाँ पे a के साथ ऐसा कौन सा नंबर, ऐसा कौन सा वेरिएबल मल्टीप्लाई करने की a b आ जाए, तो हम a के साथ अगर b को मल्टीप्लाई करेंगे तो a भी आ जाएगा, ठीक है। और हमें कौन सा चाहिए, ये प्लस में लिखा हुआ है ना, तो प्लस में ही चाहिए, तो आपने यहाँ पे प्लस के साथ b लिख दिया। तो ये देखें आपने यहाँ पे प्लस b लिखा, अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा,
प्लस का ए भी, ठीक है, प्लस का ए भी आ गया आपका। फिर उसके बाद आपने बी स्क्वायर को, बी से बी को मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 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 का आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे करनी है हमें सब्ट्रैक्शन, तो नीचे वाली जो है वेरिएबल्स के हम साइन चेंज कर देंगे, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस में चेंज हो गया, ये प्लस में, ये माइनस में चेंज हो गया। अब प्लस का ए बी और माइनस का ए बी कैंसिल, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो आपके पास जो आंसर आया वो आपके पास क्या है, ए प्लस बी, दिस क्वेश्चन ए प्लस बी, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर है आपके पास ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए माइनस बी। अब आपने ए माइनस बी से डिवाइड करना है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे ये करना है, पहले आप इस नंबर को देखें, इस वेरिएबल को देखें और इसका फर्स्ट को देखें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए और यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर, मुझे क्या बनाना है, ए स्क्वायर बनाना है। तो ए स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, ए से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए, ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आपने ए स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। और प्लस यहाँ पे भी प्लस की साइन लगी हुई, कहीं कोई साइन मेंशन नहीं होती, इसका मतलब है वहाँ पे कौन सी साइन लगी होती है, प्लस की साइन लगी होती है, प्लस प्लस प्लस, ये प्लस का है, ठीक है, प्लस का ए स्क्वायर। अब उसके बाद जब हमने ए को मल्टीप्लाई करके इससे, अब माइनस बी को मल्टीप्लाई करें ए से, ठीक है, माइनस बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ए से, तो ये देखिए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ए भी तो आएगा, लेकिन साथ में कौन सी साइन आएगी, माइनस, ठीक है, क्योंकि जब हम प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास साइन आ जाती है माइनस, और यहाँ पे तो माइनस ए बी, और हम वेरिएबल के नीचे वेरिएबल लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे ए बी मौजूद है, अगर ए बी मौजूद नहीं होता तो हम कुछ को कहीं और लिखते थे, लेकिन यहाँ पे जब ए बी मौजूद है तो आपने ए बी के नीचे लिख देना है, ठीक है। और साइन कौन सी आएगी, प्लस माइनस माइनस। अब आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर ली थी, सब्ट्रैक्शन करने से पहले आपने इनकी साइन चेंज कर दी, ये प्लस में था तो आपने माइनस में कर दिया, ये माइनस में था तो ये आपने प्लस में कर दिया। अब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस टू ए बी प्लस ए बी, ठीक है, माइनस टू ए बी प्लस ए बी, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है। और आपने यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, तो टू में से यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब है वन है, टू में से वन माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा वन, इसको हम शो नहीं करते वन को, और आपने वेरिएबल ऐसे डाल लेना है। बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन है, माइनस की, तो आपने यहाँ पे माइनस की साइन लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरी जो है हमने वेरिएबल्स को, इन सबको ये पूरी एक्सप्रेशन को हमने मल्टीप्लाई कर लिया ये से। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने बी स्क्वायर उतार लिया, अब ये आपके पास एक्सप्रेशन है। अब आपने यहाँ पे ए को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास माइनस ए भी आता है, तो आपने माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का बी ए बी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ए को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस ए भी आ जाएगा, तो आपने बी तो ले रहे हैं साथ में और माइनस बी, ताकि हमारा माइनस में आंसर आए, तो माइनस बी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ए को मल्टीप्लाई करें माइनस बी से, तो आपके पास आ जाएगा माइनस ए भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी माइनस बी, तो माइनस बी माइनस बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, तो कौन सी साइन के साथ आएगा, प्लस की साइन के साथ बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, बी मल्टीप्लाई बाय बी, तो बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस, आपने यहाँ पे प्लस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, तो आपने वैल्यूज जो है साइन को चेंज कर देना है, ठीक है, जो नीचे वाली वैल्यूज है उनकी साइन को चेंज कर दी, जो माइनस में थी वो एडिशन में हो जाएगी और जो एडिशन में थी वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस का ए बी माइनस का ए बी कैंसिल, माइनस का ए बी प्लस का ए बी कैंसिल, आपके पास कुछ भी नहीं बचा, यानी कि यहाँ पे हमारा कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो इसका क्वेश्चन क्या है, ए माइनस बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव हम सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए माइनस बी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को डिवाइड करना है ए माइनस बी से। अब यहाँ पे देखें आप, ठीक है, इधर देखिए, यहाँ पे हमें मालूम नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखना है। अब ए स्क्वायर यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए क्यूब है, अब मुझे इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास ए क्यूब आ जाए, तो यहाँ पे कौन सा ऐसा वेरिएबल हो रहा है कि
के यहाँ पे मेरे पास एक क्यूब आ जाए, तो अगर हम ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ए करेंगे तो हमने पढ़ा है बेसिक पावर है 2+1 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है, यही होगा। तो हमें क्या लेना है, ए स्क्वायर। तो अब आपने यहाँ पे ए स्क्वायर ले लिया, ठीक है, ए स्क्वायर ले लिया और यहाँ पे ए, जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया ए क्यूब और माइन प्लस प्लस प्लस, ये आया हमारा प्लस, ठीक है। उसके बाद अब हम सेकेंड वाले को करें, यानी कि माइनस बी को मल्टीप्लाई करें स्क्वायर से, तो आपके पास आएगा ए स्क्वायर बी, यानी कि इस तरह से ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई माइनस बी, तो आपने यहाँ पर लिख देना ए स्क्वायर बी, ठीक है, आपके पास यही आएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, तो आपने इस बी क्यूब के नीचे तो नहीं लिख सकते आप, क्योंकि आपने एड सब्ट्रैक्शन करनी है अभी, तो आपने क्या कर देना है इसको साइड पे ले जाके लिख, यानी कि थोड़ा सा आगे करके इसको यहाँ पे लिख दें माइनस ए स्क्वायर बी, आपके पास यही आंसर है माइनस ए स्क्वायर बी आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आपने क्या करना है, जॉब का जो आपने डिवाइड करके मतलब मल्टीप्लीकर से इससे अच्छे मल्टीप्लाई करके जो आपने वैल्यूज लिखी हैं, तो आपने क्या करना है उन सबकी वैल्यू को चेंज कर देना है, क्योंकि हमें क्या करनी है उन सबकी साइन को चेंज कर देना है, क्योंकि आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन में हम साइन चेंज कर देते हैं, जो प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का ए क्यूब माइनस का बी क्यूब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे देखें इसका हम इसकी हमने साइन चेंज करी थी, तो यहाँ पे क्या किया ए स्क्वायर बी, और अब यहाँ पर एक और रिमेनिंग जो है बच गई है, तो ये कौन सी है रिमेनिंग, तो माइनस बी क्यूब, ठीक है, ये आपका एक्सपोनेंटिक बच गया है, तो आपने यहाँ पर माइनस बी क्यूब। अब आपने क्या करना है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ठीक है, आपके पास ये आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गई आपके पास। अब आपने यहाँ पे क्या करना है इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, ए को मल्टीप्लाई करना है, ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से, तो आपके पास आएगा जैसे कि ए मल्टीप्लाई करें आप ए बी से, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी, यही आएगा। तो आपने क्या करना है प्लस ए बी लिखना है, ठीक है, यानी हमने इसको मल्टीप्लाई किया ए बी से, तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर बी। अब आपने यहाँ पे ए बी लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई करें इससे, तो आपके पास आ गया ए स्क्वायर बी और प्लस 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 के साइन लगा दिया। अब उसके बाद माइनस बी से करें आप जब आप मल्टीप्लाई, तो आपके पास आएगा माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ पर माइनस ए बी स्क्वायर है नहीं है, तो आपने यहाँ पे इसको साइड में लिख दिया माइनस ए बी स्क्वायर। अब आपने क्या करना है साइन चेंज कर दें, ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये माइनस में था ये प्लस में हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है, और फिर उसके बाद अब यहाँ पे ऊपर क्या क्या बचा बी क्यूब माइनस बी क्यूब और यहाँ पे प्लस ए बी स्क्वायर, तो आपने प्लस ए बी स्क्वायर यहाँ पे उतार लिया और माइनस बी क्यूब आपने उतार लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ए के साथ ऐसी कौन सी वैल्यू को कौन से वेरिएबल को मल्टीप्लाई करूँ कि बी स्क्वायर आ जाए, तो ए के साथ हम बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ए बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्लस के साइन के साथ बी स्क्वायर लिख दिया, तो ए मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर यानी ए मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, ठीक है, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ए बी स्क्वायर हो गया, आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके ए बी स्क्वायर किया और प्लस 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 के साइन आ गया, ठीक है। अब उसके बाद अब आपने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी क्यूब, बी क्यूब इसलिए क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर और यहाँ पे बी वन है, तो जब हम बेस एंड पावर ऐड करते हैं तो फिर क्या करते हैं बी मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी क्यूब, तो आपने यहाँ पे बी क्यूब लिख देना है, बी क्यूब हमारे पास है, तो आपने इसके नीचे लिख देना बी क्यूब और प्लस माइनस माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करनी है, जो जो साइन जो है वो प्लस की थी वो आपने माइनस में कर देंगे, जो माइनस की थी वो आपने प्लस में कर देंगे, तो आपने यहाँ पे इसको इस तरह से माइनस कर दिया, प्लस का ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर और माइनस का ए बी स्क्वायर कैंसिल और माइनस का बी क्यूब प्लस का बी क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ पे आपकी डिवीजन कम्प्लीट हो गई, तो आपके पास आंसर आए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और अच्छा यहाँ पे मैंने आपको जो है 3, 4 और 5 पार्ट समझाया है, 8 आपने खुद ने करना है, ठीक है, बाकी पार्ट 6 और 7 जो है आप स्किप कर दें, 6, 7 जो है आप स्किप कर दें और आपने 8 पार्ट खुद से करना है, 3 पार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। अब उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैं आपको समझाऊंगी 12, ठीक है।
ट्वेल्थ पार्ट में आपको समझाऊंगी, 1 माइनस 6x 4, 6x की पावर 4, इसको मुझे डिवाइड करना है किस एक्सप्रेशन से, x, 8x की पावर क्यूब प्लस 4x की पावर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे लिखे माइनस 16x की पावर 4 प्लस 1, ठीक है। अब इसको जो है डिवाइड करना है किससे, x, 8x की पावर क्यूब प्लस 4x की पावर स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस 16x की पावर 4 है और यहाँ पे लिखा हुआ है 8, 8 की पावर, 8x की पावर क्या है यहाँ पे हमारे पास 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऐसा नंबर नहीं है, यानी कि 8 को हम किस से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 16 आ जाए और x की पावर 4 आ जाए। तो देखिए एक x तो लाजमी है क्योंकि यहाँ पर x की पावर 3 है, तो 4 करने के लिए एक x तो लाजमी है। इसके अलावा 8 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाए, तो 8 टू ज़ 16 होता है, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या लेना है, 2x। अब ये तो पता चल गया 2x लेना है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का, तो यहाँ पे ये तो प्लस का है, तो हमने क्या लेना है, दूसरा नंबर जो हमें लेना है वो लेना है माइनस का, यानी कि हमें लेना है माइनस 2x। तो आपने यहाँ पे लेना है माइनस 2x, तो जब आप उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8 टू द 16 और एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, ये देखिए एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू एक्स 4, ठीक है। तो एक्स की पावर आपके पास आ जाएगी 4 और प्लस माइनस माइनस, आपने माइनस लगा दिया। उसके बाद अब आपने इन सब नंबर्स को, इन सब एक्सप्रेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस 2x से, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और 4 टू द 8 और एक्स की पावर क्या आ जाएगी आपके पास, क्यूब, ठीक है। ये देखें प्लस 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 2x, जब आप इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कैसे देखेंगे, 4 टू द 8 माइनस की साइन आ जाएगी और x की पावर क्यूब आ जाएगी, क्योंकि बेस सेम पावर ऐड होती है, तो x की पावर क्यूब आ जाएगी, तो माइनस 8x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर कोई ऐसा एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो आपने क्या कर देना है, इसको अलग से यहाँ पे लिखेंगे और साइन कौन सी आएगी, माइनस की, तो आपने यहाँ पे माइनस की लगा दी। उसके बाद यहाँ पे देखें, जब हमने इसको कर दिया, अब उसके बाद 2x माइनस 2x, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो जब आपने इसको 2x माइनस 2x और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2x को, तो आपके पास आ जाएगा 2 टू द 4 और माइनस से माइनस कैंसिल और एक्स की पावर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, बल्कि एक एक्स आपके पास, एक जो है वो आपके पास प्लस का है, तो आपने यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। और 2 टू द 4 और एक्स की पावर स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक जो है वो 2x का है, प्लस 2x है, और दूसरा जो है वो माइनस 2x है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 4x। तो आपने यहाँ पे लिख दिया माइनस 4x स्क्वायर। उसके बाद 1 को मल्टीप्लाई करेंगे जब इससे, तो 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, तो माइनस 2x आपने लिख दिया। अब देखिए, क्योंकि हमने इसको अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि ऊपर ऐसा कोई भी नंबर नहीं था जिसके नीचे हम उतारें, जैसे यहाँ पे x की पावर 4 थी, हमने x की पावर 4 के नीचे उतार दिया, ठीक है। अब यहाँ पे x की पावर 3 तो है नहीं, अगर होता तो हम उसके नीचे उतार देते ताकि हमें सब्ट्रैक्शन करने में आसानी हो। अब यहाँ पे आपने सब्ट्रैक्शन करनी, तो साइन प्लस में थी वो माइनस में कर देनी है, तो यहाँ पे माइनस में थी ये प्लस में कर दिए, माइनस में थी ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में हो जाएगी, सही है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, ये देखें ये और ये कैंसिल हो गए, ठीक है। जब ये दोनों कैंसिल हो गए, अब आपके पास क्या बचा, प्लस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे प्लस 1, ठीक है। अभी प्लस 1 को हमने कुछ नहीं किया है, इसको हमने डिवाइड नहीं किया, तो आपने क्या करना है, पहले आपने प्लस 2x स्क्वायर 8x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ पे हमने 1 कर दिया, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई। अब आपने इसको कैसे डिवाइड करना है, यहाँ पर 8x क्यूब है और यहाँ पे भी 8x क्यूब है, 8x क्यूब आ सकता है। कैसे आ सकता है, जब हम 8x क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 8x क्यूब आएगा, क्योंकि हम 1 को जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ हमारे पास वही आ जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्लस 1 लिख दिया, क्योंकि हमें प्लस 1 ही, मतलब हमें पॉजिटिव वाला चाहिए, अगर हमें नेगेटिव चाहिए तो हम एक माइनस में ले लेते, यानी माइनस 1 ले लेते, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए पॉजिटिव में, क्योंकि ये बनाना है तो हमें पॉजिटिव में चाहिए, तो हमें प्लस 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 8x क्यूब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 8x
क्यूब आपने लिख दिया और ये प्लस है। उसके बाद यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए, 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 से, तो प्लस 4x आ जाएगा। फिर आप इसको 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो प्लस 2x आ जाएगा। प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 से, तो आपको प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जहाँ जहाँ प्लस की साइन लगी हुई है वहाँ वहाँ माइनस की साइन लगा दी। ये प्लस का तो ये माइनस को होगी, ये प्लस का तो ये माइनस को होगी, प्लस का माइनस है, ये प्लस का माइनस। और इसमें से माइनस करें, प्लस का 8x³ माइनस का 8x³ कैंसिल, प्लस का 4x³ प्लस का 4x² माइनस का 4x² कैंसिल। यहाँ पे आपने इस तरह से माइनस कर देना तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। प्लस का 2x² माइनस का 2x, प्लस का 2x माइनस का 2x कैंसिल, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल। तो आपके पास आप क्वेश्चन क्या आया, 1 माइनस 2x। ठीक है,